दोस्तों एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है, जब एजेंट फ्रॉड होता है, चीटर होता है, पैसा लेकर भाग जाता है, तो उसकी रीच, उसकी पहुंच जॉब कंसल्टेंसीज वाले तक कैसे होती है, या जॉब कंसल्टेंसीज वाले जो मैन पावर सप्लायर है, जिससे जिस ऑफिस के थ्रू आप काम कराते हो, वो खुद ही पाल कर रखते हैं, खुद ही हायर करके रखते हैं ऐसे अनऑथराइज्ड एजेंट को जो चीट करें। दो चीज़ें हैं, आज आपकी ढक्कन हटा दूंगा सर पे, जो कैप लगा हुआ है, बहुत ही अंदर की और बहुत ही बारीक बात बताने के लिए जा रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी कोई एजेंट आपको चीट नहीं कर सकता है, आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। एक सेकंड के लिए भी स्किप करेंगे तो आधी अधूरी बात देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा इस वीडियो को बंद कीजिए और आप जा सकते हैं। अगर टाइम है दो चार मिनट देख लीजिए। देखो होता क्या है, एजेंट हमेशा फ्रॉड करते हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, इसमें नई कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी रीच, इनकी पहुँच जो बड़ी ऑफिसेज हैं वहाँ तक होती है। फिर ये चीट कैसे हो जाता है, इस बीच में धोखाधड़ी या पैसा कोई लेकर भाग गया, पैसा आपका कोई खा गया, ये कैसे हो जाता है? बड़ी ऑफिस कभी भी चीट नहीं करती है। डिले हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि डिले हो सकता है, डिले होता है, लेकिन पैसा ही लेके चली जाए, पैसा खा जाए, आपका पासपोर्ट रख ले, आपको बिल्कुल जीरो पे आउट कर दे, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जो एजेंट होते हैं, छोटी बड़ी सभी ऑफिस के पास एजेंट होती है। हाँ, कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जो बहुत ही रिप्यूटेड है, उसकी वैकेंसीज मैं डालता हूँ अपने टेलीग्राम पे, उस तरह की ऑफिस को चुन करके। जैसे कि बेटा कंसल्टेंसीज है, बेटा में एजेंट नहीं है, जैसे कि एशिया पावर है। अब आजकल एशिया पावर में भी एजेंट होने लगा है, लेकिन मैक्सिमम एजेंट नहीं होता है, वो डायरेक्ट ही काम होता है। तो कुछ ऑफिसेज हैं जो एजेंट नहीं रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ऑफिसेज हैं वो एजेंट को हायर करके रखती हैं, एजेंट उनके लिए काम करता है, बाहर से बंदे ले जा करके, बाहर से जो ट्रैफिक है ला करके ऑफिस में देता है और ऑफिस काम करती है, क्योंकि ऑफिस तक सभी की रीच नहीं होती है, और एजेंट की रीच बाहर रोड तक है, गांव तक है, जहां से भी अपने लोकेलिटी के लोगों को कैच करता है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें एजेंट अपने ही गियर में कैसे फंस जाता है, देखो मेरी बात को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो खुद ही अपने जाल में एजेंट फंस जाता है। होता क्या है कि आपको उनको अट्रैक्ट करने के लिए, अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, जो पैकेज बताया हुआ है जॉब कंसल्टेंसीज वाले, सपोज कि एशिया पावर का एजेंट है कोई, एशिया पावर ने बोला कि भाई ये फॉर एग्ज़ाम्पल प्लम्बर है, प्लम्बर की सैलरी 1500 रियाल है, ठीक है, सऊदी 1500 रियाल है, खाना पीना फ्री है, बाकी जो एकोमोडेशन है वो सब फ्री है, मेडिकल फ्री है, इसके लिए तुम बंदे देखो लेकर आओ बाहर से। अब लेकिन 1500 में बहुत सारे लोग जो है इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जाने के लिए, सैलरी बहुत कम है, ऐसा वैसा वो अपनी बात बोलेंगे। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ये बोलेंगे कि नहीं देखो 2000 सैलरी है, खाना पीना फ्री है, ओवर टाइम कंपल्सरी है, बढ़ा चढ़ा करके आपको बता देंगे, और उस चक्कर में आप आ जाएंगे और अपनी पैसा और पासपोर्ट सीबी जमा कर देंगे, और बाद में जब आपकी फ़्लाइट होगी तो एजेंट कुछ भी बोले, एजेंट के बोलने से कुछ नहीं होता है, जो एक्चुअल जो चीज़ ऑफिस वाले ने बताया है वही एक्चुअल वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग ऑफर लेटर पे सिग्नेचर किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी में आपकी एग्रीमेंट बनेगी। तो वहाँ पर एक तरह से आपके साथ चीट हो गया, आपको बताया कुछ गया और हो कुछ गया। ये एक पहलू है एजेंट की। अभी दूसरी पहलू बाकी है, दूसरी पहलू क्या है कि वो ऑफिस ही चीटर होता है, वो ऑफिस ही फेक है, और उस ऑफिस का ये दलाल है, उस ऑफिस का ये ब्रोकर है, एजेंट है। दलाल सब थोड़ा सा कड़वा होता है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उसका फंक्शन है वो एक ही चीज़ है। तो एजेंट कोई फेक ऑफिस का एजेंट है, वहाँ से अगर काम कराता है तब भी उसके साथ तो 100% चीट हो जाता है, लेकिन जो बड़े ऑफिस के कोई एजेंट है, बड़े ऑफिस का कोई काम कर रहा है, वहाँ पे होता क्या है कि बढ़ा चढ़ा करके आपके साथ पेश किया जाता है और आप कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस जाते हो। हाँ, फ्लाइट तो होती है, काम होती है, लेकिन जो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, जो आपने सोचा था, माइंडसेट किया था, वो चीज़ नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ है। अब इससे बचे कैसे? बचने का एक ही उपाय है, कोई भी एजेंट के थ्रू भी आप काम करा रहे हो तो उस एजेंट वाले से डायरेक्ट पूछो कि भैया ठीक है, मैं आपके साथ काम करूँगा, आपसे मैं काम कराऊँगा, लेकिन ये आप बता दो कि किस ऑफिस से ये काम हो रहा है। जो आप पैसा बोलोगे वही दूंगा, लेकिन ऑफिस का नाम आप मुझे बता दो, उस ऑफिस में जाके हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे बाई सेल्फ। तो जब आप इस तरह की बातें एजेंट से करेंगे, तो एजेंट अगर वो सही होगा,
उस ऑफिस से काम करा रहा होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। वो बोलेगा भाई ये ऑफिस है, पता है, आप जाकर वहाँ चेक कर लो। ऑफिस में जाइए, वहाँ से उससे पूछिए, सर मेरा पासपोर्ट जमा है, मैंने इंटरव्यू दिया था, ऐसा वैसा जो भी आपका स्टेटमेंट है, क्या ये सही है, मेरी काम यहीं से हो रही है, आप कंफर्म कर लीजिए। लेकिन एजेंट आपकी बात सुन के ही वो गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है कि नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसा वैसा काम कराना है तो जाओ, नहीं तो उसको लात मारिए, उसको किक आउट कीजिए और तुरंत इमीडिएट बाहर कीजिए और उसको डिसकनेक्ट कीजिए। वो आपके साथ फेक कर रहा है, आपके साथ चीट कर रहा है, वो फेक एजेंट है, आपको खा जाएगा वो। तो ये दो चीज़ें हैं, क्या समझे आप? मैं इतना समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। शॉर्ट में फिर मैं बता देता हूँ, जो बड़े ऑफिस के एजेंट होते हैं कई बार अपने ट्रैप में फंस जाते हैं। फंसने मीन्स इट मीन्स ये होता है कि आपको बढ़ा चढ़ा करके वैकेंसीज सैलरी बताएंगे कि ये वैकेंसीज हैं और इतनी सैलरी है, ऐसा वैसा, तो आप उसमें फंस जाते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन वहाँ मर जाती है, आप वहाँ उस कंपनी में जा करके आपने जो सोचा था वो चीज़ नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ कि वो एजेंट भी फेक है और जॉब कंसल्टेंसीज जो प्लेसमेंट सर्विस है वो भी फेक है, उसमें 100% आपको शॉर्ट कर दिया जाता है, आपसे पैसा ले लिया जाता है, खाकर आपको ख़त्म कर दिया जाता है कि आप जाइए, सालों लग जाता है, सालों बाद आपको पासपोर्ट रिटर्न कर दिया जाता है। तो बचने का उपाय मैं बता दिया कि उस एजेंट से पूछिए कि किस प्लेसमेंट सर्विस से मेरी काम हो रही है, वहाँ पर जा करके आप खुद अपने द्वारा उसको क्रॉस चेक कीजिए, क्या सही में यहाँ से मेरा काम हो रहा है। लेकिन अगर बोलता है कि नहीं आपको मैं नहीं दूंगा, पता नहीं बताऊंगा, तो उस एजेंट को इमीडिएट बाहर कीजिए और अपना पैसा बचाइए, पासपोर्ट बचाइए, टाइम बचाइए। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑल पे दबाइए, तभी मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी दूसरे टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।